हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यीशु नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपनी आत्मिक आंखों को खुली रखें। जिस तरह इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 की 18 आयत में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक मसीही व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। अपनी मुश्किल परिस्थितियों में आपको अपनी आत्मिक आंखों से देखना है कि आपको क्या करना चाहिए और शैतान आपको क्या दिखाना चाहता है। ऐसे वक्त में आपको डरना नहीं है, क्योंकि यूसुफ भी अकेला था लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था। अगर आप गरीब हैं तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है और आपको ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, और वह हर समय आपके साथ है। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया था, उसे मिद्यानियों के हाथ बेच दिया। वहां पर यूसुफ अकेला था लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। उसे वह दर्शन याद था, तो परमेश्वर ने उसे दिखाया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। बाइबल में लिखा है कि उसने बहुत सारे शताब सहे पर फिर भी वह पाप में नहीं गिरा। फिर परमेश्वर ने उसे वह बनाया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। आज लोग चंगाई तो चाहते हैं पर अपनी कठिन परिस्थितियों में खड़ा नहीं रहना चाहते, इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाती। फिर वह कहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदलते, उनकी आत्मिक आंखें बंद होने के कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि याकूब ने 20 साल तक अपने मामा के घर पर नौकरी की। उसके मामा ने उसे बहुत बार धोखा देने की कोशिश की, उसकी मजदूरी को बदलने की कोशिश की, पर वह फिर भी अपने मामा के साथ वफादार रहा और वफादारी के साथ उसकी भेड़ बकरियों को चराता रहा। इसलिए समय आने पर परमेश्वर ने उसे अमीर और आशीषित किया। मेरे प्रियो, आप अपने हालातों में परमेश्वर के साथ वफादार रहें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। आप कभी भी अपनी परिस्थितियों को देखकर पाप में ना गिरें। फिर एक दिन परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह और याकूब की तरह ऊंचा और आशीषित करेगा। आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें और मेरी आत्मिक आँखों को खोलें, ताकि मैं यूसुफ और याकूब की तरह अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आपके साथ वफादार रहूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करें।